हेलो गाइस, बात करेंगे आज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। ये क्या है, कैसे है, आज पूरा जानेंगे। देखिए, जो इंग्लैंड था दैट इज बेसिकली अ प्रोटेस्टेंट कंट्री, राइट, एंग्लिकन। क्रिश्चियनिटी में तीन बेसिकली बिलीव्स हैं, एक्सक्यूज मी, क्रिश्चियनिटी में तीन बिलीव्स हैं। वन इज कैथोलिक, अनदर इज प्रोटेस्टेंट, एंड द थर्ड इज अदर्स, राइट। वीडियो डाल दूंगा क्या है। तो बेसिकली जो इंग्लैंड वॉज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री, और चार्ल्स टू जो उनके राजा थे उनकी कोई संतान नहीं थी, नो हाया। तो उन्होंने अपने भाई जेम्स टू जो कि एक कैथोलिक थे उनको राजगद्दी सौंप दी। जेम्स टू वॉज अ कैथोलिक, सो ए कैथोलिक मैन वॉज रूलिंग अ प्रोटेस्टेंट कंट्री। दिस वॉज somehow uncomfortable for the masses, लेकिन people were okay with James II, क्योंकि वो बोल रहे थे कि since James II बहुत old है, so he'll die in couple of years, moreover since he has no heir, तो वो altogether एक protestant आदमी ही आएगा। बट जेम्स टू ने 1688 में बोला कि उनका एक सन है। अब द पीपल ऑफ इंग्लैंड दे वर वेरी फ्यूरियस कि हाउ अगेन वी हैव टू फेस अ कैथोलिक प्रिंस। सो द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन कॉल्ड द डच किंग विलियम्स थ्री को बुलाया उन्होंने, और जिनकी वाइफ थी मैरी, एंड मैरी वॉज अ डॉटर ऑफ जेम्स टू, एंड बट मैरी वॉज अ प्रोटेस्टेंट नॉट अ कैथोलिक, राइट। तो जो डच किंग थे, सी द दिस नीदरलैंड्स वॉज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री, द फ्रेंच अंडर लुईस 14 वॉज अ कैथोलिक कंट्री। सो this guy Williams also used to fight the Louis 14. Now since he was also a good general, तो England के लोग इसलिए भी उनको like करते थे, right? Moreover he was of royal blood. So seeing all these factors at one place, the England का जो parliament है वो Mary और Williams को England में rule करने के लिए बुलाते हैं। 1688 में विलियम्स थ्री 3000 सैनिक के साथ इंग्लैंड में एंटर करते हैं, और जो जेम्स टू है वहाँ से चुपचाप भाग लेते हैं फ्रांस की तरफ। तो दिस वॉज अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अच्छा, एक दो पॉइंट्स और बता दूं जेम्स टू के बारे में। जेम्स टू was of view, he was trying to dissolve the parliament, right, and he was promoting Catholicism at a great rate. He also passed a law that the Catholics cannot be punished. So after this revolution, Williams and Mary signed few points, the demands of the parliament. The first was the Britain, that English monarch don't have the divine right, that is the God doesn't send them to rule the country, ठीक है, ईश्वर नहीं भेजता है,
ये क्रॉस हुआ, और मोनार्क्स राइट टू सस्पेंड पार्लियामेंट दैट ऑल्सो वेंट ऑफ, उसको भी हटा दिया। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड द पीपल इन पार्लियामेंट वोंट बी मेकिंग लॉज टू प्लीज द किंग। एंड ब्रिटेन फ्रॉम मोनार्क विल बी शिफ्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, देर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688।